चलो बेटा दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन है, देखिए, राम को एक परीक्षा में 36% अंक चाहिए थे और उसे 24% अंक मिले, वो 9 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक कितना है? देखिए कमेंट कीजिए, चार ऑप्शन है। देखिए, उसे केवल 36% अंक चाहिए थे, उसको मिला 24% अंक। अब 9 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता, 9 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता, ये इसका शर्त है कि 9 अंक से फेल हो गया, अगर 9 अंक और इसमें जुड़ जाता तो पास हो जाता। तो अब कितना परसेंट कम ज़्यादा है? पहले 36 चाहिए था, अब 24 मिला, कितना परसेंट कम मिला उसको? 12%। और 12% किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर है? 9/12। 100% किसके बराबर है? 9/12 × 100, 1। 3 × 9 3×4 12, 4 × 2 4 × 2 8 4×5 20, 25 × 3 75, यानी कि कुल अंक चाहिए थे उसको 75 अंक। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, रीना को 45% अंक चाहिए थे, वो 30 अंक अधिक प्राप्त करती है, उसको चाहिए 45 मिले, सॉरी, उसको 60% अंक मिले, कितने मिले उसको? ये तो चाहिए उसको मिले, और कुल अंक उसको चाहिए थे 60%। तो कुल अंक तो उसको 60% चाहिए थे, उसको कितने मिले? 45%। अब 30 अंक उसको अधिक नहीं मिले, ये भी उसको कम मिले, ठीक है, 30 अंक उसको कम मिले। अगर 30 अंक और अगर जुड़ जाते, एक ही ट्रिक चलाएंगे अपन, अच्छा रहेगा, 30 अंक उसको कम मिले तो ये भी उसको मिलते तो पास हो जाता। तो कितना डिफरेंस आ रहा दोस्तों में? 45 और 60, यानी कि 15% का डिफरेंस आ रहा। ये किसके बराबर? 30 के बराबर है। तो 15 से कटा 15 × 29, 1% का मान 2 के बराबर है, तो 100% का मान 200 के बराबर होगा। पूर्णांक कितना हो दोस्तों? 200 होगा। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पूर्णांक कितना होगा? 200 का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन है, 31 से उतनी बड़ी जितनी 75 से छोटी। तो दोस्तों इस प्रश्न में दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे, तो 5 × 1 = 6, 7 × 3 = 10, 106/2, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 53, तो 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सोलह वस्तु क्रय मूल्य 20 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ यानि दोस्तों ऐसी स्थिति में जो विक्रय दे रखा है इसको क्रय बनाएंगे, यानी कि सीपी बनाएंगे। सीपी कितना हो जाएगा अपना? 20 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्रय को विक्रय, यानी कि सेलिंग प्राइस 16 हो जाएगा। अब 20 में खरीदा और 16 में बेचा, 4 रुपये का नुकसान, 20 × 100/1, 200 × 5 = 100, 5×20, यानी कि 20% की उसको हानि हो गई, 20% की हानि हो गई। अगला प्रश्न है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, यानी कि सीपी एंड सेलिंग प्राइस का जो अनुपात है 25:20, यानी कि कोई वस्तु 25 में खरीदी और 20 में बेची गई, तो 5 रुपये का नुकसान हुआ, किस पे हुआ? 25 × 100/1, 25×100, 4×5 = 20, 20% की उसको हानि हो गई। तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।